नमस्कार जय माता की। मैं श्रवण राजपूत रेकी एंड लामाफेरा ग्रैंड मास्टर एंड टीचर एंड एंजल थेरेपिस्ट एंड टैरो रीडिंग कार्ड जीबो सिंबल एक्सपर्ट आप सभी का मादुर्गा रेकी एंड लामाफेरा हीलिंग सेंटर चंडीगढ़ में स्वागत करता हूं। मैंने अभी तक आपको जो वीडियो बताए हैं जी वीडियो के अंदर जो एक इन्फॉर्मेशन दी है मोस्टली लामाफेरा रेकी एंजल की थोड़ी दी है मिक्सअप करके दी है मोस्टली ज़्यादा लामाफेरा ही आते हैं। एक एनर्जी होती है एक लेवल होता है जिसमें कि लोग किस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं तो लामाफेरा ज़्यादा इस सेंटर में हमारे सेंटर में आते हैं ट्रीटमेंट के लिए भी और सीखने वाले और दूसरे सेकंड लेवल पे आते हैं हमारे पास रेकी वाले डिग्री सीखने के लिए हीलिंग के लिए। आज मैं आपको एक नया बताने जा रहा हूँ एंजल के बारे में। वैसे तो आपको सभी बताते ही हैं जिन्होंने एंजल किया हुआ है एंजल कोर्स करवाते हैं जो लोग एंजल के बारे में अलग अलग भ्रांतियाँ हैं दिमाग में। कई बार जब हम किसी अननोन इंसान को एंजल के बारे में बताते हैं तो सोचता है कि कोई जो घोष्ट भूत प्रेत टाइप कोई एंजल ये लोग बुलाते हैं और उसी एंजल से ट्रीटमेंट करते हैं तो एक डर की भावना उसके अंदर पैदा हो जाती है। देखिए वो एंजल और इन एंजल में फ़र्क है। जो आप भूत या कुछ ऐसा समझ रहे हो वो एंजल नहीं होते एक आत्मा होती है। उसमें बैड एनर्जी वाली आत्मा भी हो सकती है या गुड वाली। एंजल्स क्या होते हैं? एंजल्स पेरेंट्स भी अपने एंजल होते हैं। आपके दोस्त जो आपकी हेल्प करते हैं प्रत्येक सिचुएशन में वो भी एंजल के उसमें काउंट होते हैं। एक होते आर्केएंजल्स। आर्केएंजल्स जो यूनिवर्सल एनर्जी है जो ब्रह्मांड है अपना उसके अंदर जो एंजल यानी एंजल उन्हें कहते हैं जो गॉड मैसेंजर्स चाहे उसमें माँ शक्ति के मैसेंजर्स हों जिस भी रूप में आप जिसको पूछते उसके मैसेंजर्स होते हैं उनको हम आर्केएंजल या एंजल्स बोलते हैं। ये अमरीका में इसकी खोज हुई है। अमरीका में इनकी जो एंजल्स कार्ड या कुछ बताते हैं तो यूनिवर्सिटी अमरीका के अंदर ही है जिनका नाम क्रिश्चियन टाइप रखा गया है। अदरवाइज ये सभी के बिना किसी उसके हेल्प करते क्योंकि इनके पास एक यूनिवर्सल पावर होती है एनर्जी होती है और ये तब तक आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते तब तक आप इनको हेल्प के लिए नहीं बुलाओगे। तो जो भी गॉड मैसेंजर अच्छे वाले होते हैं उनको हम आर्केएंजल बोलते हैं। आज तो खाली नॉर्मली आपको मैं एंजल्स के बारे में डेफिनेशन ही दूंगा। एंजल के नाम कौन से काम पे कौन से एंजल आएगा नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो इनसे डरने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी इनको सीख सकता है कोर्स करके इनको बुला सकते हैं। वैसे एंजल सभी के पास होते हैं किसी न किसी रूप में। तो आर्केएंजल इनका जो मास्टर होता है एंजल आर्केएंजल का हाई लेवल जो होता है जो इनका मास्टर होता है मेन एंजल जिसको बोलते हैं माइकल आर्केएंजल माइकल उसके बारे में भी आपको गाइडेंस देंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक होता है एसेंडेड मास्टर। एसेंडेड मास्टर में कौन कौन आता है? भगवान कृष्णा भगवान राम गुरु नानक देव जी गुरु गोविंद सिंह जी आपके जो लॉर्ड जीसस बोलते हैं जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश जी हनुमान जी जो भी डिवाइन एनर्जी यूनिवर्सल पावर है डेटिस उनको हम असेंडेड मास्टर बोलते हैं। यानी कि उनकी एनर्जी अलग लेवल की होती है और जिसके पास उनकी ब्लेसिंग होती है उनको किसी प्रकार की नेगेटिविटी या बीमारी भी आप उसके शरीर में नहीं लगती है। उसके बाद गार्डियन एंजल। गार्डियन एंजल कौन होते हैं? जैसे आपके पेरेंट्स। आप किसी डिप्रेशन में हो एंजाइटी में हो तो आपको जो गाइड करेगा जो आपका सपोर्ट करेगा चाहे पेरेंट्स हो चाहे कोई और हो उसको हम गार्डियंजल्स के नाम से बुलाते हैं। स्पिरिट गाइड्स। जो आपको स्पिरिचुअली गाइडेंस देते हैं उनको स्पिरिट गाइड बोलते हैं। लास्ट में होता है आपका गार्डियन एंजल आपको बता दिया है। इसमें एक जो बुक है इसमें एक अर्थ एंजल नहीं दिया। अर्थ एंजल में जो धरती पे अपनी जमीन पे जितने भी चाहे आपके पेरेंट्स हैं या आपके पितर जिनको पितर बोलते हैं ना जो पितर जो जानते हैं मोस्टली कि पितरों की पूजा करनी चाहिए
जो अलग अलग रूप में कुछ अलग हिसाब से बोलते हैं। पितर भी अर्थ एंजल हैं, जो पीर पैगंबर हैं वो भी अर्थ एंजल हैं, और भी जो धरती पे चाहे शिरडी वाले साईं बाबा जी हो या कोई और हो जो धरती पे पैदा हुआ है और धरती पे ही उनका हुआ है, तो अर्थ एंजल उनको हम बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से एंजल की अलग अलग करते हैं। ज़्यादातर हम यूज किसका करते हैं, या तो असेंडेड मास्टर की प्रे करते हैं, भगवान की प्रे करते हैं, या फिर आर्कएंजल को हम मदद के लिए बुला सकते हैं। अर्थ एंजल तो आपको बुलाओगे तो मोस्टली आते ही हैं, आपके जो अर्थ एंजल होते हैं आपके साथ हमेशा होते हैं। तो आप जब आपसे हम आपको ये कोर्स सिखाते हैं तो आपको बुलाने का तरीका बताया जाता है, प्रोटेक्शन किस प्रकार लेते हैं एंजल से वो भी बताया जाता है, कौन कौन से एंजल प्रोटेक्शन शील्ड बनाने के लिए आप उनको बुला सकते हैं प्रे के द्वारा, वो भी बिल्कुल आपको सिखाया जाता है। एंजल होस्टिंग कैसे करते हैं, 5 दिन के लिए आपको एंजल अपने घर में होस्ट करने हैं, वो भी तरीका आपको प्रॉपर तरीके से बताया जाता है। और सारे के सारे बेसिक और एडवांस लेवल सब कंप्लीट किया जाता है। एडवांस लेवल में हमारे 3 कार्ड आपके पास आ जाते हैं, जिसमें एंजल थेरेपी कार्ड हो गया, आर्क एंजल्स रफेल हो गया, और पास्ट लाइफ कार्ड हो गया। तो इस प्रकार से हम आर्क एंजल्स जो होते हैं, जिसको मोस्टली एंजल थेरेपी या एंजल हीलिंग बोलते हैं, इस प्रकार से हम इसको सिखाते हैं। और ये इस प्रकार के एंजल नाम होते हैं जो कैटेगरी के हिसाब से मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 1 by 1 एंजल का वर्क, क्या वर्क करते हैं एंजल का, उसके हिसाब से आप कौन सा स्टोन या जिसको क्रिस्टल बोलते डाल सकते हो, या किस कलर में वो एंजल होता है, किस पर्पज के लिए इसको आप बुला सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। क्योंकि अभी आपको बताएंगे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपके फिर वो कन्फ्यूज़ हो जाओगे, तो मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग कन्फ्यूज़ हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सभी। हाँ, जहाँ हमसे कुछ लगता है आपको कि मैं छूट गया है या कुछ बताने का तरीका कहीं चेंज करना है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको दूसरे तरीके से जो भी आप सुझाव देंगे हम ज़रूर कोशिश करेंगे उस पर अमल करने के। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता की, अपना ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू।